स्वागत है आपका जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। धरती पर अगर जन्नत है तो यही है। यह बात कश्मीर के लिए अरसे से कही आ रही है, लेकिन इस खूबसूरत सूबे के हिस्से हमेशा दर्द ही आया है। जम्मू कश्मीर की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, इसका गौरवशाली इतिहास इसकी पहचान है, लेकिन 1947 के बाद उस गौरवशाली इतिहास पर आतंक की ऐसी लकीर खींच गई कि जम्मू कश्मीर का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया। हक के लिए लड़ता कश्मीरी सैकड़ों पर तैनात सुरक्षा बल और पाकिस्तान की नापाक साजिशें घाटी की ये पहचान बनी। आजादी के 74 साल बाद जम्मू कश्मीर की उस पहचान को बदलने के लिए इतिहास फिर गढ़ा गया और खत्म हुआ अनुच्छेद 370। यही है कश्मीर की कहानी। बता दें कि पाकिस्तान के कबयाली लड़कों ने 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर महाराज हरि सिंह परेशान थे। उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तब तक क्योंकि जम्मू कश्मीर का भारत संघ विलय नहीं हुआ, ऐसे में गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने साफ कर दिया कि भारतीय सेना कश्मीर की मदद नहीं कर सकती। भारत सरकार की तरफ से राजा हरि सिंह को प्रस्ताव दिया गया कि वे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करें, जिससे भारतीय सेना की मदद कश्मीर पहुंचाई जा सके। खतरे को देखते हुए राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। 1948 पहली बार कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। भारत की तरफ से विरोध किया गया कि पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर बलपूर्वक कब्जा जमा लिया है, जिस हिस्से को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 2019 में 5 अगस्त को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया, वह जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने का फैसला हुआ। दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद से ही केंद्र सरकार ने परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी भी शुरू कर दी। इसी साल मार्च में आयोग का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया। अब परिसीमन आयोग का कार्यकाल साल 2022 में पूरा होगा। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ एंड, और अपडेट के लिए जुड़े रहे जेके न्यूज के साथ।